वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW का ऑल आउट पेपर व्यू शुरू होने वाला है। और आज यहां पर ऑल आउट के ऊपर AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से हमें यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल मैच देखने को मिलेगा, जहां पर AEW की फॉर्मर TBS चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर AEW की फॉर्मर TBS चैंपियन विलो नाइटिंगेल को फेस करेंगी। और AEW के अंदर इन दोनों के लंबे टाइम तक टैग टीम रहने के बाद आज यहां पर ये दोनों पेपर व्यू के ऊपर आमने सामने होंगी, जहां पर इन दोनों का मैच यहां पर वैसे तो टाइटल मैच नहीं गए, बट उसके बावजूद भी मैच के अंदर काफ़ी ब्लड गिरने वाला है, क्योंकि ये मैच यहां पर स्ट्रीट फाइट होगा। और शिकागो स्ट्रीट फाइट के अंदर आज यहां पर नाइटिंगेल और स्टैटलैंडर के बीच में हमें यहां पर ब्रूटल वॉर देखने को मिलेगा, जहां पर पॉसिबली क्रिस स्टैटलैंडर इस मैच को जीतेंगी। बट इसके अलावा पेपर व्यू के ऊपर आज AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर AEW के EVP द यंग बक्स AEW का टैग टीम चैंपियनशिप हमें यहां पर AEW के अंदर AEW के ट्रियो चैंपियन क्लोडियो कैस्टिंगोली और व्हीलर यूता के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और वेम्बले स्टेडियम में ऑल ऑन के पेपर AEW में क्लोडियो और व्हीलर यूता के ट्रियो चैंपियन बनने के बाद वो बैक टू बैक ऑल आउट के ऊपर आज यहां पर बक्स को हराकर AEW के टैग चैंपियन बनना चाहते गए। बट गाइज, मुझे यहां पर नहीं लगता है कि AEW के अंदर यंग बक्स इतनी जल्दी उनके टाइटल को हारेंगे। और आज यहां पर पॉसिबली यंग बक्स मैच के अंदर चीटिंग करके क्लोडियो कैस्टिंगोली व्हीलर यूता को हराकर उनके टाइटल को रिटेन करने वाले हैं।